नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पानी वाली टंकी हम सभी तो यूज करते ही हैं। जैसे कि लैट्रिन और बाथरूम में नहाने का यूज किया जाता है पानी की टंकी का, और यहाँ तक कि कभी कभी पानी नल में ना आने से हम लोग पानी का भी यूज करते हैं पीने के लिए। क्या आपने कभी सोचा है कि इसे बड़े पैमानों पर कैसे तैयार किया जाता है और इतनी जल्दी कैसे तैयार किया जाता है? तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि इसे कैसे तैयार किया जाता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और इनके बारे में पूरा डिटेल से जान लेते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आगे भी बहुत ही कमाल कमाल की वीडियो आपको मिलने वाली है। दोस्तों, कंपनी वाले टंकी रोटेशनल मोल्डिंग की सहायता से बनाते हैं। रोटेशनल मोल्डिंग निर्माण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे कोई द्रव या किसी कच्चे अन्य पदार्थ की अपनी इच्छा के अनुसार आकार दिया जाता है, और इसमें एक बड़ी सी केसिंग होती है जिसमें चार आकार के बिल्कुल टंकी के जैसे मोल्ड होते हैं, और फिर इन मोल्ड को खोलकर इनमें लीनियर लोडेंसिल पॉलीएल्थीन डाला जाता है। यह एक ऐसा मटेरियल है जिसमें प्लास्टिक की कुर्सी, टंकी, बोतल इत्यादि सामान इससे तैयार किया जा सकता है, और इस मटेरियल को डालकर मोल्ड को बंद कर दिया जाता है, और फिर दूसरे मोल्ड को खोलकर उसमें 10 किलो मटेरियल फिर डाल दिया जाता है, जिसे लीनियर लोडेंसिल पॉलिथीन कहा जाता है, या फिर इसे LLDP कहा जाता है, और फिर इस मटेरियल को डालकर दोबारा बंद कर दिया जाता है। CNC कंप्यूटर नुमा टूल्स की सहायता से मोल्ड की घूमने की स्पीड सेट की जाती है। फिर केसिंग के अंदर भट्टी को स्टार्ट किया जाता है, और फिर केसिंग के दरवाजे को बंद कर दिया जाता है। और हम आपको बता दूं कि दरवाजे को बंद करने के बाद टाइम को सेट किया जाता है। लगभग एक टंकी 15 से 20 मिनट में तैयार हो जाती है, इसलिए इसका टाइम 20 मिनट ही रखा जाता है, और अंदर भट्टी जलती रहती है जब तक यह पूरी तरह से पिघल कर अपना आकार ना ले ले, और यह घूमने के कारण अपने मोल्ड की आकार ले लेती है। यह तो आपको पता होगा कि टंकी की लेयर भी होती है, और आपने कहीं सुना भी होगा कि यह 2 लेयर या 4 लेयर की होती है, और दूसरे लेयर को बनाने के लिए ऊपर से पोरली प्रोफाइलिंग का मटेरियल डाला जाता है, जिसकी वजह से टंकी के अंदर एक और लेयर बन जाती है, और यह टंकी के ए लेयर को और भी मजबूत बना देती है। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि इसे फ्लेक्सिबल भी बना देती है, और इस मटेरियल को चलती हुई मशीन के ऊपर से ही डाल दिया जाता है, और इस मटेरियल को डालने के बाद इंजीनियर नीचे चले आता है, और इंस्पेक्शन विंडो की मदद से बैटरी लगाकर देखा जाता है कि यह पूरी तरह से अच्छे से घूम रही है या नहीं, और फिर समय पूरा होने के बाद केसिंग पट्टी का दरवाजा खोल दिया जाता है, और कूलिंग फैन को लगाकर इसे ठंडा किया जाता है। अब यह मोल्ड पूरी तरह से ठंडा हो चुका है, और मोल्ड ठंडा होने के बाद मोल्ड का ढक्कन खोला जाता है, और तैयार हुई टंकी को मोल्ड से बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसे ही सारी कंपनियां आराम से टंकी बना देती हैं, और जिसे हम लोग यूज करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, ताकि और लोग भी इसके बारे में जान सकें। और हाँ यार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आगे भी बहुत ही कमाल कमाल की वीडियो आपको मिलने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।